किचन का पानी यहाँ से आएगा, इसके अंदर जाएगा, ये प्री फैब्रिकेटेड है, रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है। आपने सिर्फ पाइप को कनेक्ट किया, अंदर से पानी नीचे चला जाएगा, जो ग्रीस ऊपर आ जाएगी और क्लीन पानी बीच से यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम राव, देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू प्लम्बेक्स 2022 जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में, और ये 12 मई से लेकर 14 मई तक होने वाला है, जहां पर वाटर सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, कंपनीज है, वो आए हुए हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और साथ ही जो नए लोग हैं उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोलैब करके इस इंडस्ट्री को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसी कंपनी के स्टॉल पर जो वाटर सैनिटेशन में वर्क करते हैं और उसके लिए काफ़ी सारी मशीनरीज बनाते हैं, और क्या क्या कर रहे हैं इनके बारे में डिटेल से बताएंगे हमारे सर जी, और इन्हीं से बात करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक। मेरा नाम रमन कपूर है और मैं न्यू ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक पैन इंडिया कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर हैं लेटेस्ट प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स के। तो इंडिया में इशू क्या आता है, जो जो ड्रेन का इशू आता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इशू आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं कि ट्रीटेड वेस्ट वाटर को डालना चाहिए, तो उसके सिस्टम्स हमारे पास हैं। हम लास्ट 10 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। हम कुछ बाहर के जर्मन और इंडियन ब्रांड्स को भी प्रमोट करते हैं, जैसे कि ये कुछ प्री फैब्रिकेटेड ड्रेन्स हैं जो एक बार आप लगाएं तो सालों साल रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास किचन के वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोडक्ट हैं, ताकि साफ पानी सिर्फ नालियों में जाए, उससे नालियां ब्लॉक नहीं होती और एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट होता है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ड्रेन्स के अंदर काम आते हैं, हम लास्ट 10 साल से पूरे इंडिया के अंदर प्रमोट करते हैं। थैंक यू। तो मेनली आप वर्क करते हो वाटर सैनिटेशन पे, और ये जो प्लम्बेक्स है इंडिया का स्टैंड एलोन एक ऐसा एग्जीबिशन है जो वाटर सैनिटेशन पे ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं, है ना सर, और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। काफ़ी सारे आपने प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस करे हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं सर, इसके बारे में बताइए सर। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल जो ड्रेन होती है उसके अलावा ये प्री फैब्रिकेटेड ड्रेन है, जो कि एक बार आप ड्रेन लगाएंगे तो सालों साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक रहती है। ये ग्रेटिंग अगर आप देखेंगे, एक बार लगे तो हिलती भी नहीं है। सो एक बार लगाने के बाद पूरा आपकी जहाँ पर हैवी ड्यूटी क्रेन्स है वहाँ पर, एयरपोर्ट पेडेस्ट्रियन लोड क्लास से लेके आदमी के चलने से लेके हैवी लोड क्लास, 5 टन लोड क्लास तक ये हैंडल करते हैं, अलग अलग डायमेंशन में आते हैं। छोटी, जहाँ डेप्थ का कंस्ट्रेंट हो, जहाँ डेप्थ कम होती है बालकनी या टेरेस में, जहाँ बड़ा एरिया, जहाँ पर आपको ज़्यादा पानी निकालना हो, उनके लिए ये सिस्टम्स यूज़ होते हैं। डिफरेंट लोड क्लास के लिए शुरू होता है। ये है कि ये सारा विथ के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग वो बने हुए हैं तो अपने अनुसार जो भी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप। हाँ, और अगर ट्रेडिशनल सिस्टम के अलावा एडवांटेज क्या है, स्मूथ सर्फेस है तो पानी बड़ा अच्छी तरह फैल निकलता है, फास्टर निकलता है, और शेप के कारण इसमें पानी और गंदगी इकट्ठा भी नहीं होती है, तो इसलिए आपको क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी बहुत इजी होती है। ठीक है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये पॉलीमर कंक्रीट होता है नीचे, और ऊपर डिफरेंट टाइप की ग्रेटिंग होती है, स्टेनलेस स्टील से लेके आपके डक्टाइल आयरन तक की, ताकि लोड क्लास, पैदल चलने वालों के लिए, कार के लिए, ट्रक के लिए, या इवन एयरपोर्ट के प्लेन्स के लिए भी लोड क्लास के लिए ये ग्रेटिंग यूज़ होती है। ये मतलब कितना भी हैवी डीटी हो ये संभाल लेगा, और एक बार रहेगा आप देखिए ये ग्रेटिंग बिल्कुल भी हिलती नहीं है, तो ना आवाज़ आएगी, और एक बार लग गई तो ये आपके इंडिया में ही लास्ट 7-8 साल से लगी हुई है, और इंटरनेशनली तो सब 25-30 साल से ये चीज़ें इंटरनेशनल एरिया में जो लगी होती हैं। तो ये इंस्टॉलेशन में क्या खर्च क्या पड़ता है सर? इसमें बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन, अगर आप नॉर्मल ड्रेन दिन में अगर सपोज कीजिए 10 मीटर लगाते हैं मैनुअल के कारण, क्योंकि ये बनी बनाई ड्रेन्स होती हैं, आप ये एक
दिन के अंदर 50 मीटर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो फास्टर बनी बनाई है, तो बनी बनाई है, तो मेल फीमेल जॉइंट होते हैं इनमें, एक के साथ एक ड्रेन लगते हुए सीलेंट से बंद करके आप 5 टाइम जल्दी काम को फिनिश कर सकते हैं, फास्टर काम कर सकते हैं। हाँ जी, आइए मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये जैसे जो वेस्ट वाटर का जो पानी होता है, जो सीवेज का और किचन का वेस्ट वाटर या सीवेज का वेस्ट वाटर, ये इसी के अंदर सारा पानी जाके और ये पंप उसको ऊपर फेंक देते हैं। तो आपको जो नॉर्मल सीवेज का जो पंप हम जो नॉर्मल जनरली में यूज़ करते हैं, उसको 6 महीने साल के अंदर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो बंद हो जाता है। ये 2 साल की तो कंपनी वारंटी देती है इसका, और आज इंडिया में 8 साल से 9 साल हो चुके हैं। एक बार फिट एंड फॉरगेट वाले सिस्टम है। एक बार आपने सीवेज का वेस्ट वाटर, बाथरूम का वेस्ट वाटर लगाया, पंप करके ऊपर फेंकेगा, 3 मीटर से लेके 15 मीटर हाइट तक। दिल्ली, ये अभी जो सबसे बड़ा बॉम्बे का जो एग्जीबिशन सेंटर बना है, धीरूभाई अंबानी का जियो वर्ल्ड सेंटर, उसमें ये बड़ी बड़ी कैपेसिटी के हमने कम से कम नहीं तो 20 पीस लगाए हैं, जो 18 मीटर हाइट पर और 80 मीटर हॉरिजॉन्टल हाइट पे पानी को ले जाते हैं। अच्छा, और एक बार इंस्टॉल करने के बाद मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है इनका। बात करें सर यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो इंटरनल में क्या क्या है, इसमें मशीनरी लगी है? इसमें देखिए, ये डुअल पंप है। ये जो पंप होते हैं, ये पानी आता है, ऑनलाइन पंप होता है, सेंस करता है, 50 लीटर पानी एक वाला पंप फेंकता है, फिर वो रुक जाता है, फिर दूसरा वाला पंप उसको पानी के ऊपर फेंकता है। और ये सिस्टम ऐसा बनाया है इन्होंने, कोई भी क्लिप नहीं है। आप इसको किसी भी पंप को क्लीनिंग करने के टाइम पे पंप को आप बिना किसी टूल के सिर्फ हाथों से खोल सकते हो। ये जैसे ये क्लिप सिस्टम है, ये देखिए आप, ये जो क्लिप है, सिर्फ क्लिप सिस्टम से आप पूरा सिस्टम को खोल सकते हो। अच्छा, ये मेंटेनेंस वर्क के लिए बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी रहती है। ताकि ये पंप नीचे, ये जैसे देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पंप है, ये क्लिप जो बने हुए हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप क्लिप से ही ऊपर नीचे करके पंप को। ये तो सर कंपनी का यूनिक आइडिया है, यूनिक आइडिया है, सिस्टम लगा क्लिप सिस्टम। देखिए ये यहाँ से पाइप लगती है, यूँ से बंद हो जाती है, कोई भी आपको इवन स्क्रू की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बस को चीज़ करने के लिए आपको। तो ये ईज़ ऑफ क्लीनिंग है। हमें 2 पंप लगे होते हैं अंदर इंटरनल। हाँ, इसमें सिंगल भी आते हैं, जो घरों में सिंगल पंप लगता है, और जो कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ डबल पंप लगते हैं उसके अंदर। और ये काफ़ी जायंट सा है सर। हाँ, देखिए ये जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की नॉर्म है, कोई भी किचन का जो पानी है आप उसको बिना ट्रीट करके ऐसे नहीं फेंक सकते। नहीं तो आपने देखा जगह जगह नालियाँ जम जाती हैं, गंदी स्मेल आती है। तो किचन का पानी इस इनलेट में आता है, ये ग्रीस सेपरेटर बोलते हैं, ये कैसल का ग्रीस सेपरेटर है, ये ज़मीन के नीचे चला जाता है। किचन का पानी यहाँ से आएगा, इसके अंदर जाएगा, ये प्री फैब्रिकेटेड है, रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है। आपने सिर्फ पाइप को कनेक्ट किया, अंदर से पानी नीचे चला जाएगा, जो ग्रीस ऊपर आ जाएगी, और क्लीन पानी बीच से यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। सो आपको विद इन 1 घंटे के अंदर आपको क्लीन पानी आपका बाहर आ जाएगा किचन के वेस्ट वाटर के लिए। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़ी मॉल्स में, जैसे ये भी एग्जीबिशन हॉल्स है, जब बहुत ज़्यादा कमर्शियल किचन होती हैं वहाँ गवर्नमेंट का नॉर्म है, आप उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये अंडरग्राउंड इंस्टॉल हो जाए, ये अंडरग्राउंड भी आता है, अबव ग्राउंड भी आता है। और जिसके पास जगह नहीं होती है, जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि छोटे रेस्टोरेंट को भी लगाना चाहिए, बट इतना बड़ा तो छोटा उसमें साइजेस क्या है, उसमें फिर साइज वो सिंक के नीचे चला जाता है, जहाँ वो सफाई करते हैं उसके नीचे छोटे वाले सिस्टम भी आते हैं। इतना छोटा कम्पैक्ट में आ जाएगा, जो सिंक के नीचे। हाँ, जो छोटा वाला आ जाएगा उसको ऑलमोस्ट डेली क्लीन करना पड़ेगा, ये बड़े वाले को महीने में एक बार मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। जितना बड़ा होगा उतना जल्दी आपको चीज। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस क्या रहता है सर? इसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, पंप्स होते हैं, पंप के थ्रू कर सकते हो, या आप इस ढक्कन को खोल के आप उसको मैन्युअली क्लीन कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम पंप डालते हैं और उसको सक कर लेते हैं सीधा। जैसे आपने म्यूनसिपल बॉडी की भी आपने देखा होगा, जो सीवेज की जो आती हैं, सीवेज के वो अपना इस ढक्कन के अंदर अपना वो डालती हैं और 5 मिनट में सारा सक करके बाहर निकाल लेती हैं। तो महीने में एक बार आपको उसको सिर्फ मेंटेन करना पड़ता है।
और बाकी क्लीन पानी आपका बाहर जाता रहेगा। तो जैसे ये साइज है, इसका मॉडल का नेम क्या होगा सर? इसको केसल ग्रीस सेपरेटर बोलते हैं। ये मॉडल NS7 बोलते हैं, मतलब 7 लीटर पर सेकेंड का अगर किचन का वेस्ट वाटर आ रहा है, मतलब रफली अगर आप लगाओ 400 लीटर पर मिनट में पानी अगर आपका इसके अंदर आ रहा है तो ये उसको ट्रीट कर सकता है पानी को। अच्छा, 400 लीटर पर मिनट मतलब 2500 लीटर आपका पर घंटा। अच्छा, को आप पानी को ट्रीट कर सकता है। ये तो काफ़ी कमाल की है कि कितना भी बड़ा आए तो वो, तो आप जैसे कम हो तो छोटा वाला लगेगा, अगर आप ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा वाला पानी। तो ये अगर प्राइसेस की बात करें, क्या खर्चा? प्राइसेस तो देखिए ऐसा है, ये बने बनाए प्रोडक्ट हैं, ये 50,000 से शुरू होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे फिर 5 लाख तक जाते हैं। अगर छोटे रेस्टोरेंट है, होटल्स वाले हैं, उनके लिए 20,000 रुपये का भी ऑप्शन होता है। अच्छा। और जो बड़े 5-स्टार होटल होते हैं उनके पास 5 लाख का भी ऑप्शन होता है। अच्छा, तो ये मतलब ऑप्शंस है लोगों के पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं सर। अब जैसे ये बताया, ये आपके पास यही सेम ग्रीस सेपरेटर ये है, ये ज़मीन के नीचे चल जाता है। ये अगर बेसमेंट में, अगर किचन आपकी बेसमेंट में है या कहीं आ गए तो ये अबव ग्राउंड सिस्टम होता है, वैसे पाइप सिस्टम वही है, ये भी ग्रीस सेपरेटर है, लेकिन इसके अंदर आपको बाहर की किसी चीज़ की क्लीन करने के लिए बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पंप सिस्टम है, इसमें एक कंट्रोल पैनल होता है, बटन दबाया आपने, महीने के बाद ये सारे अंदर की चीज़ को मिक्स करेगा और इस पाइप के थ्रू बाहर फेंक देगा, मतलब ऑटो क्लीन, ऑटो क्लीन के लिए। तो ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम बोलते हैं। सो ये मैनुअल हो गया, ये अबव ग्राउंड ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, इसको 5 मिनट के अंदर आप सारे ग्रीस सेपरेटर को क्लीन करके और दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। कितने पावर की इसमें मोटर लगी होगी? इसमें करीब 3 हॉर्स पावर की मोटर होती है। अच्छा। बट वो डिपेंड करता है छोटा या बड़ा कैपेसिटी ऑफ ग्रीस सेपरेटर, कितना पानी और कितने हाइट पे फेंकना है कि बाहर लेके जाना है जहाँ पर, तो उसके हिसाब से ये यूज़ होती है। ये कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट हैं, आप देखिए लास्ट 10 साल से न्यू ग्रीन इंडिया में हैं, और राइट फ्रॉम गूगल टिल DLF इंडिया में, जैसे इंडियन डेवलपर भी आज की डेट के अंदर, ये नहीं कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियां ही इसको यूज़ कर रही हैं, इंडियन कंपनी लाइक DLF हो गई, अब आपका अभी ये एरियो में लगे हैं, और ये ब्रिगेड बैंगलोर का ग्रुप है, वहाँ बहुत सारे ग्रीस सेपरेटर लगे हैं, तो जगह जगह अब इसका एक्सेप्टेंस आ गया है। तो ये तो रही सर काफ़ी सारे आपके पास वाटर सैनिटेशन के लिए और जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी मशीन्स है। तो इसमें और भी अगर किसी रेस्टोरेंट को लगाना हो, किसी होटल से, बड़े बड़े होटल से, तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बिल्कुल राइट फ्रॉम छोटा रेस्टोरेंट जो एक फूड कोर्ट होता है मॉल के अंदर, उससे लेके एक 5-स्टार होटल, जैसे अभी आपको बताता हूँ, अभी हमने मैरियट होटल में लगाया है बॉम्बे के अंदर, वो 400 बेडरूम का होटल है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। बाथरूम के लिए बाथरूम की ड्रेन्स अच्छी डिज़ाइनर ड्रेन्स, कहाँ आपको पी ट्रैप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वाटर सील मिल जाती है छोटे से छोटे गैप के अंदर, वो सिस्टम सॉल्यूशन है। तो एक छोटे रेस्टोरेंट से लेके एक बड़े 5-स्टार होटल के लिए, एक छोटी दुकान से लेके और एक बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो होती है जिसे कॉर्पोरेट ऑफिस बनता है आपका, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपका मेंटेनेंस ना करनी पड़े आपको, वो उसके बेनिफिशियल के प्रोडक्ट हैं। जो हमारे पास जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास ब्रिटिश इंग्लैंड के प्रोडक्ट हैं, कुछ हमारे अपने इनबिल्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमने खुद डेवलप किए हैं न्यू ग्रीन के नाम से, राइट, ताकि हर तबके के लोगों को, हर कस्टमर को एक बेटर सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन मिले। आप अपना जो डेवलप किया है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट डेवलप? उसमें जैसे हमारे पास कुछ स्टेनलेस स्टील के बाथरूम की ड्रेन्स हैं, कम डेप्थ में आपको वाटर सील भी मिलती है और आपको दिखने में भी अच्छी लगती है। उसके अलावा कुछ ग्रीस सेपरेटर्स हैं जो हमने लॉन्च किए हुए हैं छोटे काउंटर्स के लिए, जहाँ ये बड़े नहीं लग सकते हैं उसके अंदर। कुछ बनी बनाई ड्रेन्स हैं ज़मीन पे, कुछ वो उस टाइप की ग्रेटिंग्स हैं जो न्यू ग्रीन के अंडर में हमने खुद डेवलप की हुई है। तो ये रहा कि भाई अभी जैसा गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारा धरती स्वच्छ रहे,
तो ये जरूरी है सर। डेफिनेटली। तो किस तरह से अपने धरती को स्वच्छ रखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को आप क्या देना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है, तो आप जरूर लगाएं, है ना सर? डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस। जैसे अगर सर्विस एंड इंस्टॉलेशन की बात करें तो उसका क्या रहता है? सो जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम, सिंस ये जर्मन प्रोडक्ट्स हैं तो एक बार फिट एंड फॉरगेट वाले सिस्टम्स हैं, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी की वारंटी के अंडर में कंपनी वन एक साल दो साल डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट रेंज, तब तक तो कंपनी न्यू ग्रीन की हमारी अपनी टीम है जो पूरा वारंटी के अंडर आप हमारे कस्टमर्स को सपोर्ट करती है। उसके अलावा हमारे डीलर्स और एप्लीकेटर भी हैं जो आके आप के हमारे कस्टमर्स को हम विद इन 24 to 48 hours हम सर्विस कर पाते हैं। अच्छा, तो ये आप अपने कंपनी का जो चैनल पार्टनर भी बनाते हो, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया रहते हैं? डेफिनेटली उसको अपना पहले हम देखते हैं कि क्या वो उसी लाइन का प्रोफाइल का आदमी है, क्योंकि उसको अगर प्लम्बिंग और ड्रेनेज का इन प्रोडक्ट का बैकग्राउंड है तो वो कस्टमर को भी ठीक से सर्विस कर सकता है और कन्विंस भी कर सकता है। सो उसके बाद नेटवर्क होना चाहिए अपना, राइट? और इसके लिए हम डे टू डे ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे अभी हमारे जर्मनी से भी कुछ इंजीनियर्स आए हुए हैं जिन्होंने अभी हमने लास्ट दो दिन के अंदर उन्होंने हमारे सारे पैन इंडिया के डीलर को और हमारी अपनी टीम को ट्रेन किया। तो ऐसे से हम रेगुलरली टाइम पे ये भी करते रहते हैं ट्रेनिंग वगैरह। तो ये है कि अगर कोई कंपनी से जुड़ना चाहता है तो आप कॉन्टैक्ट करो और फिर सर रिसर्च करेंगे और इस एरिया में होंगे तो आपको जरूर कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा और देश के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। सेवा ही बोल सकते हैं सर। हाँ, और सर जैसे अगर किसी को इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह की मशीनरीज है, उनको लगाना है तो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? तो आप कभी भी हमारी वेबसाइट www.newgreen.co.in पे जा सकते हैं, वहाँ सारे हमारी प्रोडक्ट की रेंज मिलेगी आपको, जो भी आपको चाहिए उसमें से आप हमें मेल कर सकते हैं, उसमें मेल आईडी लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप दिल्ली में हमारा मेन हेड ऑफिस है, उसके बाद बॉम्बे और बेंगलोर में हमारा अपना ऑफिस है, और उसके बाद बाकी मेजर टाउन्स के अंदर हमारे अपने टीम के लोग हैं, बहुत प्री सेल एंड पोस्ट सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, पोस्ट सेल भी होती है। सिस्टम आपने लगा तो दिए, कल को क्लीनिंग मेंटेनेंस भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे पर डीलर नेटवर्क भी है और हमारे खुद के पोस्ट सेल्स की टीम भी है इसके अंदर, राइट? सो यहाँ पर सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल्स है, वेबसाइट्स है, वहाँ पर आप जाकर और भी ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं और कंपनी से जुड़ सकते हैं। और एट लास्ट में सर, आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, हमने 10 साल पहले, मैंने 20 साल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है, 10 साल पहले हमने ये न्यू ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज फॉर्म की। पर्पस ये था, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, चाहे वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आएँ और उसको एक वाजिब दाम में हमारे इंडियन के कस्टमर्स को दें। सो आपको सरप्राइज़ होगा, इतना जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ प्रोडक्ट जो हम आज से 5 साल पहले बेचते थे आज हम उसको 20% कम पे बेच रहे हैं इंडिया के अंदर। पर्पज़ यह है क्योंकि यस, वॉल्यूम भी ग्रो हुआ है, एक्सेप्टेंस आई है, सो बट उसके अलावा कि हमने एक वाजिब दाम में प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को इंडिया में लॉन्च किया है ताकि इस अच्छी टेक्नोलॉजी का एक नॉर्मल कस्टमर भी इसको यूटिलाइज और यूज कर सके, जागरूक हो रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।